हे की हाल चाल लोडो, सब बढ़िया और मस्त, आगे बढ़िया और मस्त ना। तो इस बात करने वाले हमारे नेक्स्ट फेडविल को लेकर एकदम कंफर्म हो चुका है कौन सा नेक्स्ट फेडविल देखने को मिलने वाला। एंड एनिमेशन रिमोट प्लस स्काइविंग, आप लोग को मालूम है कौन सा स्काइविंग स्किन आप स्क्रीन में देख सकते हो। एनिमेशन रिमोट ये वाला जो काफी दिन से निकल गया था पर आया नहीं था हमारे गेम को, तो ये दोनों भी कंफर्म हो चुके हैं कब देखने को मिलने वाला, आपको अपडेट शेयर कर दूंगा। और हमारे मिशी शॉप को लेकर अपडेट है, उसके लिए अपडेट शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट कॉल बैक इवेंट कब देखने को मिलने वाला है और उधर क्या आइटम देखने को मिलने वाला, कॉल बैक इवेंट का मेन आइटम कौन सा होने वाला है एकदम कंफर्म हो चुका है, वो आप लोगों से शेयर कर दूंगा। एंड एक कॉस्ट्यूम को लेकर इवेंट आने वाला है पर वो कॉस्ट्यूम को सिर्फ 2 डायमंड मिलेगा, तो वो कैसा इवेंट है एंड कैसे क्या करना है सब कुछ मैं बताऊंगा। तो काफी अपडेट्स हैं एंड काफी ओपी इवेंट्स आ रहे, तो अगर आप कुछ मिस आउट नहीं करना चाहते तो बस इतना बोलूंगा बिना स्किप के वीडियो को पूरा लास्ट देखना। हम ज्यादा लेट नहीं करेंगे, सीधा वीडियो स्टार्ट कर लेंगे। पर उससे पहले अगर आप लोग नए आ रहे हो ना अभी, सब्सक्राइबर के बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर देना, एक लाइक जरूर कर देना यार, एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लस आप लोग जानते हो वीडियो में भी कितना असर पड़ता है लाइक का, तो हाँ एक लाइक जरूर कर देना और एक फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, ज्यादा नहीं यार एक फ्रेंड के साथ कर देना। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें हमारे गेम में देखने को मिल चुका कटाने और पेंथ के स्किन में कुछ डिस्काउंट्स फेटिवल ड्रॉप का, जिसके काफी दिन से देखने को मिल रहा है। स्टोर कुछ अलग अलग आइटम्स के सेक्शन में डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, उस तरीके से हमें इधर भी देखने को मिले एंड आगे चलकर और भी आइटम्स डिस्काउंट देखने को मिलेंगे स्टोर के, तो जिसको चाहिए आप लोग ले सकते हो। एंड किसी और आइटम के लिए वेट करना चाहो तो वेट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैं क्या बोलूंगा कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मैं बोलूंगा भाई मत ही लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन है भाई। देखो आज हमारा 17 अगस्त एंड इसके 2 दिन पहले था हमारा 15 अगस्त, एंड 15 अगस्त को मालूम है इतना बड़ा त्यौहार है हम लोगों के लिए भाई, हमारे देश के लिए। तो इसी मौके पे हमें फ्री फायर ने हमारे गेम के अंदर एक इवेंट नहीं दिया और ये एक ऐसा त्यौहार है जिधर हमें इवेंट देना चाहिए। पर्सनली मैं बोलूं तो भाई देना ही चाहिए, एंड काफी बंदे बोल रहे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे इधर उधर सब तरफ बोल रहे कि भाई अच्छा नहीं किया फ्री फायर ने, तो हाँ भाई मैं भी एग्री करता हूँ एंड फ्री फायर का ऐसा करना चाहिए था यार, ये अच्छा नहीं किया। पर ये एक साइड हो गया, एक साइड के बंदे सोच रहे हैं ठीक है, पर एक साइड के बंदे ये भी मतलब अनुमान लगा रहे कि भाई फ्री फायर अब इंडिया में ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो सबसे पहले पबजी था, पबजी बैन हुआ एंड रिटर्न आया हमारा BGMI बन के, एंड फिर BGMI भी बैन हो गया। तो इसी से बंदे बोल रहे कि भाई हमारा फ्री फायर बैन हुआ एंड ये तो रिटर्न भी नहीं है और आगे चलकर फ्री फायर मैक्स बैन होगा कंफर्म, बंदे बोल रहे। तो होने के चांसेस भी है क्योंकि सब तो गवर्नमेंट के हाथ में भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हाँ भाई हो सकता है। एंड फ्री फायर मैक्स रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि फ्री फायर रिटर्न नहीं किया अभी तक, पबजी बैन हुआ तो पबजी वालों ने पूरा ट्राई किया और उसी गेम को दोबारा दूसरे नाम के साथ रिटर्न लेके आए, तो हमारे फ्री फायर तो ट्राई भी नहीं कर रहा, तो इसीलिए बंदे गुस्सा है। एंड 15 अगस्त के दिन पे एक पोस्ट भी नहीं किया, इवेंट तो दूर की बात है पोस्ट भी नहीं किया, चलो पोस्ट कर देता कम से कम बता देता कि भाई हाँ 15 अगस्त है, एक पोस्ट करना बनता है ना, हम सब पोस्ट कर रहे थे त्यौहार को मना रहे थे। पर फ्री फायर ने ना फेसबुक पे ना व्हाट्सएप पे ना मतलब इंस्टाग्राम पे ना टेलीग्राम ना यूट्यूब पे किधर भी कुछ भी पोस्ट नहीं किया। तो भाई यही सबको देखकर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि सही है भाई, सब कोई सही बोल रहा है अपने जगह पे, सब सही है एंड फ्री फायर ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर ये सबको देखकर बस एक ही ऐसा मतलब सॉल्यूशन निकलता है जो मैं आप लोग को बताऊं, तो भाई टॉप करना बंद कर दो फ्री फायर के अंदर, क्योंकि मेरे को नहीं लगता फ्री फायर ज्यादा दिन सर्वाइव कर पाएगा हमारे इंडिया सर्वर, मतलब फ्री फायर तो बैन हो चुका, फ्री फायर मैक्स का बात करो। तो मैं बस इतना बोलूंगा फ्री फायर के अंदर अगर आप लोग डायमंड इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 30 वाला ऑफर करो या फिर वीकली करो, बड़े बड़े टॉप करते हो आप लोग तो धीरे धीरे करके बंद करो, क्योंकि डायरेक्टली कुछ भी नहीं छोड़ सकते, धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ेगा, तो धीरे धीरे करके कोशिश करो छूट जाएगा एक दिन, तो शुरुआत कर दो भाई, क्योंकि अगर फ्री फायर बैन हो जाता है तो सारे रिफंड के पीछे पड़ जाते हैं एंड रिफंड होता नहीं है, तो धीरे धीरे खुद से ट्राई करो कि गेम के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करने का, ज्यादा सही रहेगा। एंड आगे चलकर कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं बोल सकता, तो पहले से सावधान रहे, सतर्क रहे, ज्यादा सही रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। एंड फ्री फायर का तो पता नहीं, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ डिफरेंट गेम खेलने का, मैं तो गेम पहले वीडियो भी अपलोड करते रहता हूँ, पर आगे चलकर मैं और भी डिफरेंट डिफरेंट गेम ट्राई करने वाला हूँ, मतलब बहुत जल्दी एक वीक के अंदर शुरू कर दूंगा और फ्री फायर का वीडियो बनाऊंगा भाई, पर दूसरे गेम्स का भी बनाऊंगा। एंड पहले बस गेम पहले अपलोड करता दूसरे गेम के, पर अब गेम पहले अपलोड करूंगा एंड पीछे कमेंट्री भी करूंगा, तो जिससे आप लोग इंटरेस्ट बने रहे, तो बस आप लोग सपोर्ट करो दूसरे गेम्स को भी। मैं जानता हूँ आप लोग फ्री फायर खेलना पसंद करते हो, फ्री फायर को पसंद करते हो, तो देखो पहले से हमें हर एक चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एंड ऐसा भी कमेंट आते थे बीच भाई अब फ्री फायर में वैसा मजा नहीं आ रहा पहले जैसा, तो इसलिए हर एक चीज को ट्राई करते रहना चाहिए। एंड हम खेल रहे गेम फ्री फायर, हमें नहीं खेल रहे हम उसे खेल रहे, तो हमारी मर्जी है कि हम फ्री फायर खेले या कोई और, हमें सोचना है क्या करना है। तो बस अब ये मत फिक्स कर लो कि भाई मैं फ्री फायर खेला, फ्री फायर खेलूँ कोई और नहीं खेलूंगा, ऐसा नहीं है भाई, सब चीज ट्राई करो। तो मैं ट्राई करने वाला हूँ, आप लोगों को सपोर्ट करना है, जो अच्छा लगे आप लोग भी ट्राई कर सकते ठीक है। तो वो जल्दी डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के ऊपर वीडियो आएंगे, कुछ आप लोग भी सजेशन कर सकते हो, अगर कुछ और गेम खेलते हो आप लोग मुझे कमेंट में इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे गेम्स के नेम या कुछ डिफरेंट एप्स के नेम डिफरेंट डिफरेंट बता सकते हो, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ। एंड एक ही चीज में रहेंगे तो कुछ नया नहीं सीख पाए, इसलिए हर एक चीज को सीखना चाहिए और अभी टाइम है सीखने का, तो सीखेंगे, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो। एंड आप लोगों को मालूम है फिर बार में कुछ खास व्यूज भी नहीं आ रहे, तो आगे चलकर हमारा एक न्यू गेम भी आ रहा है इंडिया, आप स्क्रीन में देख सकते हैं गेम, तो हाँ इसका प्रिपरेशन ओपन हो चुका है, आपने जगह रजिस्ट्रेशन कर लो। ये गेम जब आएगा इस पर हम बहुत ज्यादा कॉन्टेंट बनाएंगे इसके रिलेटेड, ये गेम एक बैटल रॉयल गेम होने वाला है, तो इसको सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, स्पेशली इंडिया गया तो करना ही चाहिए। तो हाँ भाई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हमें ये गेम देखने को मिल जाएगा, जैसे इसके रिलेटेड कुछ अपडेट आते हैं, मतलब कभी ये गेम लॉन्च होने वाला है कंफर्म डेट मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। एंड अभी के लिए छोड़ो बस इतना
बोलूंगा फ्री फायर ने अच्छा नहीं किया 15 अगस्त दिन, उससे हमें क्या पता चलता वो मैंने बताया, और क्या क्या होने वाले चैनल पे वो भी बता दिया, और जब जो होगा आगे चलकर तो देख ही लेंगे। पर अभी जो अपडेट्स आए फ्री फायर रिलेटेड, क्योंकि फ्री फायर तो खेल ही रहे हैं भाई, आज से बंद नहीं कर देंगे ना, जब तक चलेगा तब तक खेलेंगे। तो हाँ भाई, आप लोग सोच रहे हो कि फ्री फायर बंद कर दोगे, तो ऐसा नहीं है भाई, फ्री फायर जब तक है तब तक खेलेंगे, बंद हो जाएगा उसको रिटर्न आएगा तब भी खेलेंगे, तो फ्री फायर मैं नहीं छोड़ने वाला, एंड फ्री फायर के अलावा और भी गेम्स खेलेंगे, बस ये बोलना चाहता हूं। ठीक है, अब अपडेट्स के लेकर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिशन शॉप के रिलेटेड, मैंने कल आपको अपडेट शेयर किया था मिशन शॉप को लेकर, ये कॉस्ट्यूम का मिशन शॉप जाने वाला बागेश्वर में, एंड कल ही इंडोनेशिया सर्वर में चल गया, और उधर ही मिशन शॉप का कॉस्ट्यूम, मतलब ये कॉस्ट्यूम मिशन शॉप में देखने को मिल गया, और इलाइट पास देखने को मिले स्किन फेस पेंट वगैरह हैं। तो हाँ, काफी उपयोग आइटम्स दिए गए मिशन शॉप के साथ, हम भी उम्मीद करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल में इसी का मिशन शॉप देखने को मिले, क्योंकि कॉस्ट्यूम ठीक ठाक लग रहे हैं भाई, या फिर इसका नहीं देखने को मिलेगा तो जस्टिन बीबर का देखने को मिलना चाहिए, एंड एक मिशन शॉप तो कंफर्म है, तो बस कुछ दिन वेट कर लो, और अच्छी तरह से मिशन शॉप को अपडेट जाना चाहते हो तो कल वीडियो चेकआउट कर लेना। एंड आप जो अभी एक कॉस्ट्यूम देखते हो स्किन में, ये कॉस्ट्यूम हमारे बाहर के सर्वर में इवेंट में जा रहे हैं, एंड ये अलग ही इवेंट है, मतलब उतना भी अलग नहीं है, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही हमारे स्टोर में आते हैं ना आइटम्स 500 डायमंड में, 1000 डायमंड में, परचेस कर लेना पड़ता सिंपल आइटम्स मिल जाते, उस तरीके से कॉस्ट्यूम हमारे स्टोर में दे दिया जाएगा 500 डायमंड में, एंड उसके बाद ये कॉस्ट्यूम परचेस करोगे ना, आपको इसी के साथ कुछ टोकन्स देखने को मिलेंगे, 3 टोकन देखने को मिल जाएंगे, और वो 3 टोकन आप एक्सचेंज कर पाओगे डायमंड जो आप स्क्रीन पर दिख सकते हो, एंड टोटल डायमंड जितने दिए जा रहे हैं बस 2 डायमंड कम 500 हो रहे हैं, मतलब 2 डायमंड आपको कॉस्ट्यूम मिल जाएगा, ये बताना चाहता है ना, पर पहले 500 डायमंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 500 डायमंड होने भी तो चाहिए बंदों के पास, तभी तो 500 डायमंड लगाएंगे, फिर सारे भी डायमंड रिटर्न लेंगे। तो अब देखो यार, जिसके पास 500 डायमंड है वो ट्राई कर सकता है इवेंट, एंड ये इवेंट हर एक सर्वर में जाने वाला है, हर एक सर्वर में, सर्वर में आगे जाना शुरू हो चुका, हमारे सर्वर में बहुत जल्दी आ जाएगा, तो अगर आप लोग चाहो तो ले सकते हो, अगर 500 डायमंड तो जरूर ट्राई करना, बाकी मैं तो बोलूंगा डायमंड नहीं है तो टॉप करके ये करके वो करके मत करना। और अभी दोस्तों आप स्क्रीन में एक स्काइविंग का स्किन, साथ में हमारा एनिमेशन रिमोट, तो ये एनिमेशन रिमोट काफी पुराना काफी दिनों से निकला हुआ था, पर आया नहीं था हमारे गेम में, तो ये आने वाला है ये फेडविल में, एंड एक ही फेडविल ये स्काइविंग प्लस ये एनिमेशन रिमोट देखने को मिल जाएगा, एंड हमारा अभी नेक्स्ट अपडेट आने में कम से कम 30 दिन का टाइम है, तो इस 30 दिन के बीच देखने को मिल जाएगा फेडविल, बस डेट निकल के नहीं आया, लेकिन एक फेडविल में ये एनिमेशन रिमोट प्लस ये स्काइविंग स्किन देखने को मिल जाएगा, और ये स्काइविंग के बारे में कल ही अपडेट शेयर कर रहा था, तो हाँ कंफर्म हो चुका फेडविल, एंड मैंने बता दिया था कल ही, तो अब लोग बस डायमंड इकट्ठा करके रखे रहो अगर आपको निकालना है, बाकी मैं तो अभी स्टार्टिंग में बोल रहा था कि डायमंड इन्वेस्ट मत करो, मतलब पैसा इन्वेस्ट मत करो, तो क्या कर सकते हैं, अगर बहुत पैसा है आप लोगों के पास लगाना ही चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना मत करो ज्यादा सही रहेगा। तो हाँ ये देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी, अपडेट देना मेरा काम है, अब तो अपडेट शेयर करूंगा ही ना भाई, जैसे डेट वगैरह निकल आएगा मैं बहुत जल्दी आपके शेयर कर दूंगा। एंड कॉल बैक इवेंट को लेकर बात कर ले, तो हमें नेक्स्ट कॉल बैक इवेंट देखने को मिलने वाला फिर पार फिफ्थ मेंबर्स का पीक डे का दिन, एंड उधर देखने को मिलेगा हमें एक बॉक्स नहीं 5-6 बॉक्स देखने को मिल जाए, जैसे इससे पहले देखने को मिले थे कॉल बैक इवेंट में कुछ बॉक्स मिनिमम 7-18 बॉक्स देखने को मिल रहे थे, और उन बॉक्स के अंदर था 10,000 डायमंड और कुछ टोकन वगैरह, तो कुछ उस तरीके से इस बार भी हमें देखने को मिलने वाले हैं बॉक्स, एंड बॉक्स के अंदर रहेंगे 30,000 डायमंड और रहेंगे टोकन अलग से, तो अगर आप लोगों का लक बहुत अच्छा रहा तो आपके 30,000 डायमंड निकल जाएंगे, नहीं तो आपके टोकन निकलेंगे, बाकी लक सबका खराब ही होता है, इसमें बहुत कम चांस रहता है कि डायमंड निकले, क्योंकि पिछले बार भी किसी बंदों का निकला था, ज्यादा बंदों का नहीं निकला था, तो इस बार भी कॉल बैक इवेंट में हमें यही देखने को मिलने वाला बॉक्स, एंड इस बॉक्स में 30,000 डायमंड रहने वाले इस बार, तो हाँ मैं एक साइड दे दूंगा आप लोगों को, उस साइड से कॉल बैक इवेंट कम्प्लीट हो जाता है, एंड उस साइड का लिंक ट्राई करूंगा मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूं, या फिर जिस दिन कॉल बैक इवेंट आएगा उस दिन मैं कम्युनिटी पोस्ट में एंड टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूं लिंक को, तो उस दिन शेयर कर ही दूंगा, लेकिन ट्राई करूंगा इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूं, एंड जो अपडेट्स हैं जितने अपडेट्स हैं सारे मैंने शेयर कर दिए, और एक चीज आप लोग कमेंट्स नहीं आते इसलिए मैंने कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया, तो कुछ पूछना फिर फायर बिंदास कमेंट जाकर पूछ लो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके स्क्रीन में शो हो रहा है ना, क्लिक करो मजे करो, एंड एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और एक फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करते जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।